तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बी रोल्स के बारे में। एक वीडियो में बी रोल का इम्पोर्टेंस क्या होता है वो भी जानेंगे और इसका फायदा क्या क्या हो सकता है और ये जो बी रोल फुटेज है जो बी रोल का वीडियो से फ्री में आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आज मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब है और थोड़ा गला भी खराब है, तो हो सकता है मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ बात नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा वैसे ही खराब है, बट वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी था इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिए। और वैसे बी रोल से जानने से पहले अगर आपको पता नहीं है बी रोल क्या होता है तो उससे पहले आपको ए रोल क्या होता है वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको इन शॉर्ट अभी ए रोल और बी रोल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू 100 डेज 100 एपिसोड चैलेंज। अब ये 100 दिनों में मैं 100 वीडियो अपलोड करूंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो काफी ज्यादा मजेदार और इंफॉर्मेटिव रहेगा जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये मेहनत अच्छा लगता है और कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी हमारा सब्सक्राइबर नंबर बहुत कम है बट मुझे पूरा भरोसा है कि जब 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम एक अच्छा नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास है कि हम 100 दिन होते होते एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, या सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, इसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आता है और YouTube का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि ये वीडियो को और ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को आगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ए रोल क्या होता है। ए रोल जैसे मैं अभी आप कैमरा से बात कर रहे हैं, ये डायरेक्टली कैमरा से मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लो कि ये इंटरव्यू हो गया या कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये सब होता है ए रोल जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू ए कैमरा, ठीक है, उसको ए रोल कहा जाता है। अब मान के चलिए कि मैं ये बात 15 मिनट तक ऐसे ही बात करता रहूँ, सिंपली आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही देता रहूँ, तो आप सुन सुन के बोर हो जाओगे। तो ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए उसके ऊपर विजुअल फुटेज डालना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ उसको दिखाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, दिखाने से ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है, और वो दिखाने के लिए कुछ और फुटेज चाहिए होता है। मान लीजिए कि मैं प्री वेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। प्री वेडिंग के BTS का कोई वीडियो हो गया या कोई क्लिप्स हो गया, वो अगर मैं डाल देता हूँ ना, वहाँ पे बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी, वीडियो का जो एंगेजमेंट रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको भी आपके वीडियोस में बी रोल्स का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है मैं मेन 5 रीज़न आपको बताऊँगा। सबसे पहला रीज़न है विजुअल वैरायटी। जैसे कि मैं आपको बताया ए रोल्स में मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन यही बात अगर मैं 5 मिनट तक लगातार करते रहूँगा तो आप बोर हो जाओगे, आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, यही बैकग्राउंड यही इंसान यही बातें आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई भी विजुअल डाल देते हो, खास करके जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी अगर आप बी रोल्स डाल देते हो, विजुअल डाल देते हो, तो वीडियो ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है। और वैसे ही आपके वीडियो पे जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर आपको मैच करके अगर आप BTS डाल देते हो, कोई भी आपका शूटिंग का हो, मान लीजिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे प्री वेडिंग का, वो सब BTS डाल देते हो, तो वहाँ पे एंगेजमेंट रेट बहुत बढ़ जाता है, वैरायटी देखने को मिलता है। जब डिफरेंट फ्रेम में स्विच होता रहता है विजुअल, तो वहाँ पे एंगेजमेंट बहुत अच्छी आती है। अब दूसरा जो रीज़न है वो है स्टोरी टेलिंग। बी रोल्स आपको स्टोरी टेलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हो, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनाते हो, तो कोई नैरेटर होता है जो उसके ऊपर उसके बारे में बताते रहता है, ठीक है, जब आप इंटरव्यूज लेते हो किसी का तो इंटरव्यूज में वो बताते रहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वही इंटरव्यूज़ को देखाओगे तो उसमें ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान देने में कुछ नहीं होता है, दिखाना भी होता है। तो उसके ऊपर मान के चलिए कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हो और मैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ और सिर्फ बातें ही करता जा रहा हूँ, तो 2-4 मिनट के अंदर अंदर ऑडियंस बोर हो जाएगी। उससे अच्छा बातों के साथ साथ उसके ऊपर कोई फुटेज डाल दो ट्राइबल कम्युनिटी के, तो वो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बहुत एंगेजिंग बन जाएगा आपके वीडियो। तो बी रोल यूज़ करने का ये सेकेंड मेन बेनिफिट है, स्टोरी टेलिंग में काम आता है। तो प्लीज़
स्टोरी टेलिंग को एनहांस करने के लिए बी रोल का यूज जरूर करें। थर्ड जो पॉइंट है वो है इमोशनल कनेक्शन। बी रोल के माध्यम से आप लोगों को इमोशनली भी कनेक्ट कर सकते हो और एंगेज करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कोई वेडिंग का शूट कर रहे हो, शादी का, और उस पर कोई भी सीन पे मान लीजिए कि विदाई के टाइम पे आप किसी का इंटरव्यू लेते हो या कोई डायरेक्ट किसी का रिकॉर्डिंग कर रहे हो जहाँ पे आवाज़ कैप्चर हो रहा है, कोई बात कर रहा है आपसे, तो वो बात करने के टाइम वो विदाई का कोई फुटेज डाल दोगे, ठीक है। या तो हल्दी के जो इवेंट होता है ना, हल्दी में रॉ फुटेज जो होता है, रॉ फुटेज के ऊपर ही आप कोई बी रोल लगा दोगे स्लो मोशन पे, तो वहाँ पे वो इमोशनली ज़्यादा कैप्चर हो जाता है। आप उस मोमेंट पे लोगों को इमोशनली कैच कर सकते हो। अब ये टेक्निक सिर्फ ये शादी ब्याह में तक सीमित नहीं है, या ये बॉलीवुड हॉलीवुड के मूवीज में भी ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है स्मूथ ट्रांजेक्शन। एज एन एडिटर आपको पता होगा, अगर आपको एडिटिंग आती है, तो जब आप कोई ट्रांजेक्शन स्विच करना चाहते हो, मान लो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ और मैं फंबल करता हूँ बीच में, और मैं डायरेक्ट कट करके फंबल पे पार्ट हटा के नेक्स्ट टॉकिंग सेशन पे जाता हूँ, तो वो जो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट जंप वाला जो होता है ना, जंप कट जिसको कहा जाता है, वो थोड़ा अगर डायरेक्ट आप चिपका दोगे ना, बड़ा और दिखेगा। इंस्टेड उसके ऊपर आप एक कोई बी रोल लगा दो, कोई फुटेज लगा दो या कोई विजुअल लगा दो, ठीक है, तो वो थोड़ा स्मूथ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी अपने जो कट होते हैं उसको बहुत स्मूथ बना देते हैं। जैसे कि एक कट होता है जे कट, दूसरा कट होता है एल कट, ये सब ट्रांजेक्शन, मतलब ये बी रोल वाले ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर आप एक एडिटर हो या एडिटिंग सीखना चाहते हो, तो एल कट और जे कट के बारे में तो आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें ट्रांजेक्शन बहुत स्मूथ होता है, ये काइंड ऑफ बी रोल पे ही खेला जाता है। तो अपने ट्रांजेक्शन को स्मूथ करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बी रोल को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, मान लो आप कोई ब्रांड के ऊपर वीडियो बना रहे हो, मान लो कोई आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक में वीडियो बना रहे हो, ठीक है, जो थोड़ा बोरिंग होता है, और कोई नॉलेज शेयरिंग जैसे जो होते हैं ना पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, तो वैसे केसेस में सिर्फ आप ए रोल डालोगे ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। वहाँ पे ऑडियंस को एंगेज करने के लिए आपको ब्रांड का कोई लोगो हो गया, कोई ब्रांड का कोई दूसरा फुटेज हो गया, या ब्रांड के बारे में कुछ भी जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं उसको आप डाल सकते हो, और तो ऑडियंस उससे थोड़ा ज़्यादा एंगेज होता है, बोरिंग टॉपिक भी इंटरेस्टिंग थोड़ा होने लगता है, ठीक है। मान के चलो आप एक घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हो और आप सिर्फ उसमें सिर्फ वन बात कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके वीडियोस को बी रोल का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। तो उस केस में आप जिनके साथ भी काम कर रहे हो, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड का डेटा आप यूज़ कर सकते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे उनकी कंपनी हो, चाहे उनका पर्सनल डेटा जो भी हो, तो उसको भी आप एज ए बी रोल यूज़ करके वीडियो को ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हो। तो गाइस बस ये था बी रोल्स का इम्पोर्टेंस क्या है और बी रोल्स क्या होता है और आपको आपकी वीडियोस में बी रोल्स यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।